गुड एवरीवन, आज आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ कैच की जीन्स। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक हाईलैंडर की जीन्स खरीदी थी जो कि मेरे सारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने काफ़ी सोचने समझने के बाद एक और बजट फ्रेंडली जीन्स ली है जो कि है कैच से। ये ऑर्डर मैंने फ्लिपकार्ट से आज ही रिसीव करा है। इस जीन्स को परचेज करने का बेस्ट बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पैकेट को अनपैक करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। तो आइए अब हम लोग इस कैच जीन्स को अनपैक कर लेते हैं। ये देखिए पैकेज आप लोग अपनी स्क्रीन पे, काफी मतलब मुस्सा गया है और सबसे अच्छी बात कागज की पैकिंग में है। मुझे उम्मीद है अंदर प्लास्टिक तो होगी ही। एक मिनट में सीजर लेके आ रहा हूँ। 15 minutes later ये आ गई सीजर। इस पैक को मैंने खोल लिया है, सीजर को किनारे कर देते हैं और जीन्स ये देखिए आपके सामने। प्लास्टिक मैंने कहा था अंदर दिखेगी, प्लास्टिक आपके सामने है। जीन्स को हाथ में पकड़ती सबसे पहली एक चीज़ नज़र आ रही है वो है ये देखिए कैच। कैच की जीन्स दो चीज़ों के लिए फेमस हैं, एक उनका फैब्रिक, दूसरी उनकी कॉस्टिंग। इसका फैब्रिक तो देखिए अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से इससे अच्छा और कुछ नहीं मिल सकता। रुकिए मैं आपको इसके कुछ क्लोज शॉट दिखाता हूँ। इस जीन्स की MRP है 1749 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे आपको कैच की ब्रांडिंग मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखिए यहाँ पे भी कैच लिखा हुआ है, और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैच लिखा हुआ है, ये देखिए और दिखाता हूँ। ये देखिए स्लिम TAPERED स्लिम टेपर्ड, मेरी इंग्लिश में फीस माफ़ थी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चेन, देखिए यहाँ पे भी कैच की ब्रांडिंग। फैब्रिक की क्वालिटी ठीक है, बुरी नहीं है। आप लोग को और नज़दीक से दिखाता हूँ मैं इसका फैब्रिक। सही है, जीन्स कंफर्टेबल है, अच्छी है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले जीन्स का जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है। छूने में वो फील नहीं आ रहा जो पहनने में आ रहा है, काफ़ी लाइट वेट जीन्स है। और सबसे अच्छी बात मुझको स्ट्रेचेबल भी लग रही है। हाँ ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेचेबल भी है। अब मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, इसकी जीन्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें जो है स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे नीचे एक स्पेस, ये अच्छा लगता है अगर आप थोड़ा फैशन वैशन में विश्वास रखते हो। बाकी अगर हमारे घर वालों नज़रों से देखा जाए तो ये जीन्स छोटी है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे जो है अगर हम स्नीकर्स पहनेंगे वाइट कलर की तो उनका लुक बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये हल्के से जो है ऊपर है। ये देखिए है ना, सॉक्स भी दिखेंगे, हमारे लेग्स भी दिखेंगे। बाकी आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये देखिए पॉकेट में अगर मैं एक 6.3 इंचेस का फ़ोन रखता हूँ तो क्या वो फ़ोन प्रॉपरली आ रहा है? ये देखिए फ़ोन प्रॉपरली आ गया है, फ़ोन रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। सेम इस पॉकेट के साथ भी होगा, ये देखिए। और ये देखिए जिस पॉकेट का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन स्टीव जॉब्स ने करा था वो पॉकेट भी है इसमें। बैक की पॉकेट भी ठीक है, फ़ोन ऑलमोस्ट आ सा गया है लेकिन बैक की पॉकेट में कौन ही रखता है अपना फ़ोन। देखिए पीछे यहाँ भी आ गया फ़ोन आसानी से। तो आइए अब मैं आपको इस जीन्स के प्राइस के बारे में बताता हूँ। ये देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे कैच जीन्स का प्राइस। ये जीन्स मेरे को 599 की पड़ी, मतलब 600 रुपीज़ की। और इस जीन्स का फैब्रिक जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप लोग इस जीन्स को लेने का सोच रहे हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। बाकी आज के मेरे इस कैच जीन्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में इतने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ
मैंने अपने चैनल पे और भी काफी सारे क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस डाल रखे हैं, उनका रिव्यूज भी दिया है। इनफैक्ट अगर आपको मेरी कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी लग रही हो तो मैंने अपने इस डेडिकेटेड कैमरा का भी वीडियो बना रखा है। मैं इस टाइम यूज कर रहा हूँ निकॉन ZFC। निकॉन ZFC के बारे में आप लोग पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। हास्ता ला वीस्ता।